आज श्री भक्त सिद्धांत ठाकुर का 150वां व्यास पूजा महामहोत्सव है। तो उनको एक भजन जो बहुत प्रिय था, रूप गोस्वामी के लिए लिखा गया है, तो हम उसको गाने का प्रयत्न करें। श्री रूप मंजरी पादा से मोर सम पदा चीरा दीना तापित जीवना
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय श्रील रूप गोस्वामी पाद श्री भक्त सिद्धांत सही ठाकुर पाद श्रील प्रभु पाद की जय। गताय गौर प्रेम नंदे हरि हरि। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय क्रमांक 10 और श्लोक संख्या 113। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसभा सुनिते नहय प्रभुर चित्तेर उल्लास। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसभा सुनिते नहय प्रभुर चित्तेर उल्लास। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसभास सुनिते नहय प्रभुर चित्तेर उल्लास।
शायद हिंदी में नहीं होगा ना ट्रांसलेशन परपोर्ट हमारे पास, आई रीड इट इन इंग्लिश. ठीक है, ट्रांसलेशन परपोर्ट बस जुवाएंगे जब भाई चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद की जाए. ट्रांसलेशन. श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज नेवर प्लीज टू हियर बुक्स और वर्सेस अपोज टू द कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस. द लॉर्ड डिड नॉट लाइक हियरिंग रसाभास द ओवरलैपिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल मलूर. तो ये जो श्लोक है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए है. वैसे तो कि महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो महाप्रभु को भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध अगर कोई बोले, जो भक्ति के सिद्धांत है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. और भक्ति के अंदर भी जो रस है, जो पांच रस है, उस रसों में अगर कोई रसाभास कर दे ना, वात्सल्य को माधुर्य मिक्स करे, साख्य को कहीं और मिक्स कर दे, अगर ऐसा कोई बोलता तो उनको अच्छा नहीं लगता था, वो सुनते ही नहीं थे. और आखिरी में क्या कर दिया, जो इतने सारे लोग आकर उनको सुनाने की इच्छा रखते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने मेरी कविता सुननी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने मुझसे सुनना चाहिए, मुझको उनके सामने बैठकर कुछ बोलने को, पर इतने कुछ उठपटांग लोग आते थे तो आखिरी में महाप्रभु ने सिस्टम बना दिया, पहले स्वरूप दामोदर को सुनाओ और अगर स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलेंगे सही है तो फिर मैं सुनूंगा, नहीं तो मैं नहीं सुनता. तो महाप्रभु का वैसे तो कुसुमाद अपि कोमलम, अक्सर कोमल श्री चैतन्य पाव बहुत, पर वज्राद अपि कठोर. किस एरिया में कठोर है, जैसे हमारे तमाल गोविंद प्रभु उस दिन कह रहे थे, तमाल गोविंद प्रभु उस दिन कह रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वॉज वेरी स्ट्रांग. वो स्ट्रांग शब्द मेरे को सुन, मुझे सुनकर ऐसा लगा कि नहीं वो स्ट्रांग नहीं थे. जब आपको सत्य बोलना है ना, और आपको सत्य के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, तो वो सत्य सुनने के लिए सबकी तैयारी नहीं होती है ना. और जो आचार्यों का मूड है ना, कभी कभी उसको आई विल डिस्कस समथिंग ऑन दिस, देखते कितना समय हमको मिलता है, कि कभी कभी आचार्य कुछ करते हैं है ना, कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं, उनके बोलने और करने में कुछ समय के बाद लोग उसका नकल करने लगते हैं. उस नकल को भी समझना और उसके उनके जो आदेश है उनको किस प्रकार अपने जीवन में अभी ढालना है, इसको समझने के लिए भी एक आचार्य की जरूरत पड़ती है. तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जीवन, वो एक बार कह रहे थे मेरा जीवन, मैं आया था किसी और चीज़ करने के लिए, मेरी इच्छा थी कि जो चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम दिया है, जो भक्ति दी है, उसको मुझे देने की इच्छा थी, लेकिन मेरा सारा समय लड़ने में चला गया, लड़ाई करने में. तो आज हम देखेंगे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने किस किस लेवल पर लड़ाइयाँ की, किस किस से लड़ाई नहीं कर ली और किस किस के साथ. ये श्लोक वैसे तो श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए है, तो मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि यहाँ पे भक्ति सिद्धांत शब्द आता है. भक्ति सिद्धांत विरुद्ध अगर कुछ हो या रसाभास हो तो सुनिते ना है प्रभु चित्तेर उल्लास. देखिए प्रभुपद तात्पर्य क्या लिखा है, भक्ति सिद्धांत विरुद्ध रेफर्स टू दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. Philosophically known as Achintya Bheda Bhe, simultaneous oneness and difference, whereas Rasabhas is something that may appear to be transcendental mellow, but actually it is not. Those who are pure Vaishnavas should avoid both these things opposed to devotional service. These misconceptions practically parallel the Mayavad philosophy. Mayavad is only a proverb. If one indulges in Mayavad philosophy, he gradually falls down from the platform of devotional service. By overlapping valos, rasabhas, one eventually becomes a prakrita sahajiya and takes everything to be very easy. One may also become a member of the Baul community and gradually become attracted to material activities. Chaitanya Mahaprabhu has therefore advised us to avoid bhakti siddhanta viruddha and rasabhas. In this way, the devotee can remain pure and free from fall downs. Everyone should try to remain aloof from bhakti siddhanta viruddha and rasabhas. So,
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी वदेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपाप्तमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणम्। भक्तिसांश ठाकुर का प्रणति मंत्र रखे हमने यहाँ पे, मैं बोला था। Do we have it here? हाँ, उस पे मंगलाचरण में देखिए। हाँ, हम इसको बोलेंगे। आज हम उनके नामों पे भी चर्चा करते हैं। उनके नाम में ही ऐसा कुछ है कि बहुत लड़ाई की है। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। तो भक्तिसांश ठाकुर कहते थे कि मेरा जीवन सारा जीवन और श्रील प्रभुपाद ने भी एक बार एक कमेंट किया था कि मेरे गुरुदेव ने सारा कार्य करके चले, सारा जंगल साफ करके चले गए, इसलिए मैं इतना प्रचार कर पाया, मैं नई फसल उगा पाया। पर सारा जंगल हटाने का श्रेय वो कहते थे इतना कुछ चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद इतना कुछ गौड़ीय संप्रदाय में हुआ और बहुत सारा डेविएशंस ज़्यादा थे। डेविएशंस को क्या बोल, अब आप संप्रदाय चलिए, अभी भाई गोविंद प्रभु वही शब्द चलेगा तो ठीक है। डेविएशन मतलब सही मार्ग से अलग होना, जो पथ भ्रष्ट चली, जो भी हो गया अभी आपको हो गया, समझ गया ठीक है। तो अभी उनके नाम में देखिए सरस्वती है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। एक दिन लेक्चर शुरू किया तो माघ महीने के कृष्ण पक्ष में सरस्वती पूजा होती है और पूरा सरस्वती पूजा का खंडन किया। मतलब सरस्वती पूजा के दिन कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस दे आर ग्रोइंग, वो अविद्या की देवी को पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए
उसी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो तिथि आती थी उस तिथि पे बोलते उस दिन हम लोग व्यासदेव की आराधना करेंगे और सच में विद्या की जो देवी है उसकी आराधना होनी चाहिए। मतलब ही कुड सी व्हाट अदर्स कुड नॉट, वो ये देख पाते थे कि ये गलत है और लोगों को दिखता था अरे कुछ तो सरस्वती की पूजा हो रही है, कुछ तो आध्यात्मिक हो रहा है, कुछ तो अच्छा, बट ही कुड क्लियरली सी हिज विजन वॉज सो प्योर, इतना प्योर एंड क्लियर विजन था कि सही और गलत का जो समझ है और शुद्ध किसे कहते हैं ये उन्हें बहुत क्लियर था, इसलिए अक्सर वो दिखते थे खंडन करते हुए। एक बार कुछ स्कॉलर्स आए थे उनको मिलने के लिए, ग्रुप बनाकर आए थे और आते ही साथ इन्होंने ऐसे जोर जोर से बोलना शुरू किया इनके सामने बैठकर, आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं। भक्तसन ठाकुर ने सिर्फ हाथ खड़े करके बोला बस आप कुछ देर मुझको सुनेंगे, बोले यस हम आपको सुनने को तैयार हैं। भक्तसन ठाकुर 2 घंटा बोले उसके बाद, और उसके बाद उनको पूछा अभी आपको कुछ प्रश्न है, तो इनको समझ गया कि हमारी सारी बातें कैसी थी, जैसे छोटे बच्चे आर्ग्यूमेंट करते ना बड़ों के सामने, कुछ होता नहीं उसमें वैल्यू, इनको समझ गया ही सच प्योर डीप एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ तत्व। चुपचाप बोले यस वी एक्सेप्ट यू और वापस चले गए। ये भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर थे, है ना। तो आप अगर चैतन्य भागवत का जो उन्होंने भाष्य लिखा था, गौड़ीय भाष्य उसको कहते थे वो, उस चैतन्य भागवत के पहले 3-4 श्लोकों में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं समस्त वैष्णव पदे नमस्कार अमर, सही पदे अपराध न हौक अमर, है ना, ऐसा एक श्लोक है। उस श्लोक का अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे उन्होंने क्या लिखा है, तो समस्त वैष्णव बोलते ये बोलने का कुछ मतलब है, ये समस्त वैष्णव ये नहीं समझना चाहिए वैष्णव के नाम से जो भी है उनको कर रहे, नहीं हर किसी को नहीं कर रहे, समस्त वैष्णव मतलब जो सच में वैष्णव हैं। और उसके बाद 13 अपसंप्रदायों को गिनाते हैं, एक एक अपसंप्रदाय में क्या गलती है, वो किस प्रकार से अलग निकले हैं चैतन्य महाप्रभु की सही विचारधारा से, उनका खंडन करते हैं, बोलते इनको इनको वृंदावन दास ठाकुर नमस्कार नहीं कर रहे और हमको भी नहीं करना चाहिए। ये तात्पर्य है, सोचिए कोई बोलेगा अरे ठीक है ना महाप्रभु के ही हरे कृष्ण महामंत्री बोल रहे हैं, वैसा ही कुछ चैतन्य महाप्रभु का आराधना चल रहा है, बोलते नहीं इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो धरोहर था उसको शुद्ध नहीं रखा, इन्होंने इसके साथ छेड़खानी की है, इनको इसको बताना पड़ेगा। तो सो मेनी सच थिंग्स यू विल एक्सपीरियंस नाउ इन हिज नेम्स श्री वार्षभानवी देवी। नाउ इनका इनका जो पहला दीक्षा का नाम था जो गौरक्षदास बाबाजी महाराज ने दिया था, वार्षभानवी देवी दैत दास, है ना। वार्षभानवी देवी कौन है, राधा रानी, उनके फिर कृष्ण वार्षभानवी देवी दैत दास, राइट, ऐसा उनका नाम था। तो ये कभी भी अपने लेक्चर्स में आर्टिकल्स में राधा रानी नहीं बोलते, बहुत कम राधा रानी भी नहीं बोलते थे, बोलते थे वार्षभानवी देवी। सोच रहे इतना केयरफुल रहते थे कि लोगों ने राधा रानी के नाम से भी राधा रानी बोलकर भी इसको चीप कर दिया, हाउ कैन यू स्ट्रेट रिलेट टू राधा रानी, वैसा बोलते थे। और ऐसा भी नहीं कृष्ण के थ्रू भी राधा रानी नहीं बोलते, नहीं वृषभानु नंदिनी राधा, हम राधा रानी के पिता को स्मरण करेंगे और उनकी पुत्री को स्मरण करेंगे, इतना सेफ खेलना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि यू हैव नो एंट्रेंस इन दैट ग्रेट एरिया, ऐसा बोलते थे। That area has to be reverent, has to be revered. कि राधा रानी कृष्ण इन ये बहुत ऊपर है, है ना। जैसे तमाल गोइंद्रू बता रहे थे कि जब उल्टा दंगा जो एक किराए का जगह था जहाँ पर उन्होंने मंदिर शुरू किया पहला, और उसके बाद बाग बाजार गौड़िया मठ बना, मंदिर बना, तो जैसे हमारा एक किराए का जगह है ना, फिर मंदिर बनेगा, है ना। तो वैसा डीटीज को विग्रहों को मूव करना था, उस विग्रहों को मूव करने के लिए जब उसको उनको लेके जाना था, इनको पता था बहुत प्रेस की तरफ से लोग आने वाले हैं, बहुत नेक्स्ट डे होने वाला है, भक्तसन ठाकुर ने एक पूरा गीत लिखा था। वो जो गीत तमाल गोविंद्रो बताया था, मातले गौरव भंगे, अभी अभी बोल रहा हूँ, देखो मैं पूरा एक गीत था
भक्तों को बोला गया था इस गीत को गाते हुए जाना है कि राग मार्ग क्या है, इट्स वर्शिपेबल फॉर अस, है ना। हम क्या करेंगे, हम रूप गोस्वामी के मार्ग को फॉलो करेंगे। तो आप देखिए, श्री वार्षभानवी देवी दायिताय कृपा दये, क्या किया इन्होंने, कृष्ण संबंध विज्ञान सही सही तरीके से दिया। ही एक्चुअली गेव व्हाट इज अवर संबंध विद कृष्ण। गुड। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्ति दा, जो रूप अनुग भक्ति है जो रूपा श्री रूप गोस्वामी ने दी है, वैसे ही इन्होंने हमें दिया है। ये विग्रह है, विग्रह स्वरूप किसके हैं, श्री गौर करुणा शक्ति। फिर नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वर्स में आता है, नमस्ते गौरवाणी। ये गौरवाणी जो श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, उसकी साक्षात मूर्ति है। जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु देखे गए उसकी साक्षात मूर्ति है। श्री मूर्ति ये दीन तारिणे, फिर ये जो है ना, ये बहुत विशेष था। रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वंत हरिणे, रूपानुग जो रूप गोस्वामी ने दिया है उसके विरुद्ध अगर कोई सिद्धांत बोलेगा, अगर कुछ बोला किसी ने, ध्वंत हरिणे उसका खंडन करने का कार्य इन्होंने किया, है ना। तो ये जो रूपानुग था ना, ये जो शब्द है, ये हमको लगता है रूप अनुग, है ना। प्रभुपाद आप देखेंगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं हम सब रूपानुग हैं, हम रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए मार्ग पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी वो आचार्य हैं सारे आचार्यों में जिनको श्री चैतन्य महापुरुष ने कहा था, तुमने मेरे मन को जान लिया है, यू हैव अंडरस्टूड माई माइंड, है ना। हमको अपने मन के बारे में नहीं समझता, है ना, मन पागल है, दीवाना है, पर रूप गोस्वामी को भगवान के मन के अंदर क्या चल रहा है, और वो भी छन्न अवतार, जो कृष्ण आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और इनके मन में क्या चल रहा है इसको समझ पाना ये रूप गोस्वामी में था। और ये उन रूप गोस्वामी ने जो हमको दिया है उसको समझाना सही मार्ग में, और उसके बाद जो लोग रूप गोस्वामी के नाम पर गलत दे रहे हैं इनका खंडन करना, ये रूप, ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर का विशेष कार्य था। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते हैं ये रूपानुग टाइटल है ना, ये किसी को भी नहीं देना चाहिए। ही वुड से दिस रूपानुग टाइटल इज वेरी वेरी सीक्रेट, डोंट मेक इट चीप। तो ये जो श्लोक है भक्ति सिद्धांत, द कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद ऐसा कर रहे हैं तात्पर्य में, भक्तिमय सेवा के निर्णायक कथन, ये गूगल ट्रांसलेट है, ठीक है। तो ये टाइटल क्या है, द वेरी कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति प्रभुपाद कहते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल दैट एनीथिंग कुड हैव कम फ्रॉम द लिप्स ऑफ माय गुरुदेव विच इज अपोजिंग द कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। सोच सकते क्या मतलब होता है इसका बोलने का, ये व्यक्ति ऐसे कि इनके मुख से एक भी ऐसा शब्द नहीं आ सकता जो भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। दिस वॉज माई गुरुदेव। और प्रभुपाद कहते थे अपने अपने शिष्यों को, अगर आप ये कार्य करोगे ना तो मेरे गुरुदेव का, श्रील प्रभुपाद का आपको विशेष कृपा प्राप्त होगा। तो आज किसकी व्यास पूजा है, हमारे श्रील प्रभुपाद के, श्रील प्रभुपाद उनकी आज हम व्यास पूजा मना रहे हैं। तो विश्वाचार्य ठाकुर ने जो हमको गुरुवाष्टक दिया है, साक्षात हरित्वे न, गुरुदेव गुरु कौन है, वो साक्षात हरि हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर को कई नाम हैं, इतने सारे देखिए, जो प्रणति मंत्र में ही चार मंत्र हैं, और उनके शिष्यों ने तो इतने सारे व्यास पूजा में उनको अलग अलग कार्यों को देखकर नाम दिए हैं। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए जैसे बच्चों के कई बार नाम चिंटू पिंटू टिंटू चिंटू कुछ तो रख देते हैं हम लोग, उसके उस नाम के साथ और उस बच्चे के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, है ना। लेकिन भक्तिसिद्धांत ठाकुर के हर नाम के साथ जो उनको दिए गए टाइटल्स हैं ना, वृषभानु दैत दास, है ना। तो एक नाम है, देखिए मैं भी जब इसको सोचा था इसके ऊपर, रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वंत हरि, साक्षात हरि, है ना। वैसे ही यहां पर भी एक 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 प्रकार से वो हरि कैसे हैं, हर क्या हर लेते हैं,
रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हरि, है ना. He is the one who takes away the darkness of wrong conclusions of devotional service, which upholds the proper understanding of bhakti as given by Rupa Goswami. ये इसका अर्थ है कि रूप गोस्वामी ने जो भक्ति के हमको सिद्धांत दिए हैं उसके अगेंस्ट, उसके रॉन्ग कंक्लूजन कोई देता है तो वो उसको हरते हैं. क्या करते हैं वो? रूपानुग भक्ति द, ये एक और एक नाम है उनका, कि रूप गोस्वामी के अनुसार वो हमको भक्ति हमको प्रदान कर रहे हैं, एज रिसीव्ड इन द लाइन ऑफ आचार्यस एंड गिवन बाय रूप गोस्वामी. तो भक्ति विनोद ठाकुर को उन्होंने एक टाइटल दिया था और कई वैष्णव ने, रूपानुग वर, कि रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स में से सबसे ऊपर कोई है तो भक्ति विनोद ठाकुर है. तो कहते थे इसलिए इस रूपानुग जो टाइटल है इसको कभी भी चीप मत कर देना, किसी को भी रूपानुग मत बोलना. तो विशेषकर रूप गोस्वामी के जो जो अपने आप को रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स बोलते थे लेकिन वो एक्चुअली में नहीं थे, भक्तसान ठाकुर उनका खंडन करते थे. तो श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है, वो चैतन्य चरितामृत के आदिलीला के पहले अध्याय का चौथा श्लोक ही है. अनार्पित चरिम चिरात करुणया अवर्तीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा सचिनंदनः. वो सचिनंदनः, वो सची माता के पुत्र. अभी रूप गोस्वामी ने एक्चुअली कुछ और भी याद आ रहा है, इस श्लोक में क्या है, वह ये शब्द है, सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वह सचिनंदनः. तो रूप गोस्वामी का ये श्लोक क्या है, मैं उन सचिनंदन को स्मरण कर रहा हूं और एक्चुअली वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसे श्री सचिनंदन आपके हृदय में स्फुरित हो. भक्तसन ठाकुर कई बार इस श्लोक को वह के जगह नह बोलते थे जानबूझ के, और किसी ने पूछा आप इसको वह ये शब्द है आप उसको नह क्यों बना दिया, बोलते थे रूप गोस्वामी की, रूप गोस्वामी का आशीर्वाद है पर हमारी ये प्रार्थना है. अगर वह अगर वह शब्द आ गया सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा सचिनंदन, तो बोलते रूप गोस्वामी का आशीर्वाद हो गया. पर कहते इसकी प्रार्थना ही करनी चाहिए हमको कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने वो उज्ज्वल रस सबको प्रदान किया वो मेरे हृदय में स्फुरित हो, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए. तो तो उनका एक मेजर सेवा क्या हुआ उनके पूरे जीवन का, जो उनके शिष्य कहते हैं, वो कहते हैं कि टू अपोज दोज जो उनके जीवन के द्वारा या उनके उनके शिक्षा के द्वारा रूपानुग अपसिद्धांत का प्रचार कर रहे थे. दोज वर नॉट लिविंग अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दैट रूप गोस्वामी गेव. और खंडन करना इतना ज्यादा था तो कई बार भक्तों को उनके शिष्यों को भी लगता था कि बहुत हो रहा है और हर तरफ से अपोजिशन मिलता था गौड़ीय मठ को. और भक्तसन ठाकुर कहते थे हम इसीलिए जन्म लिए हैं, हम यहाँ पर केवल ये करने के लिए, हम अगर भगवान के प्रतिनिधि बनने आए हैं, डोंट ट्राई टू कलेक्ट फ्लावर्स एंड बोक्वेस फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक पीपल, वो बोलते थे. हम यहाँ पर फूल इकट्ठा, ओह आप भी बहुत अच्छे. जब हम प्रभुपाद को सुनते हैं प्रभुपाद कहते हैं देर आर पीपल हु से यू आर गुड एंड वी आर गुड. प्रभुपाद कहते नहीं, हमारा प्रचार होना चाहिए वी आर गुड एंड यू आर नॉट गुड. प्रभुपाद कहते हमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी जीवन शैली तुम्हारी विचार शैली गलत है. प्रभुपाद कहते हैं हमको केवल इतना पता है जो भी कृष्ण कह रहे हैं वो सत्य है बस. प्रभुपाद कहते हैं उस लेक्चर में बस इसके बाद हमें और कुछ नहीं सुनना है. कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में तो हम मानते, नहीं तो हम आपको नहीं सुनते. आप कितना भी बड़ी बड़ी बातें बोलो हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते. तो प्रभुपाद का भी वही मूड था. लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने पहला सारा कार्य करके चले गए कि भक्ति के नाम से जो भी कुछ छल चल रहा है उसको किस प्रकार हटाया उन्होंने. तो जो बाबा जी थे विशेषकर सीधा मुंह पे चलता था, बात मिलते थे तो बोलते थे, लेक्चर्स में बोलते थे यू आर नॉट फॉलोइंग रूप गोस्वामी प्रॉपरली.
पर ये बाबा जी लोग कहते थे, अरे आप कहते हम रूप गोस्वामी को फॉलो नहीं करते, आप देखो, और ये तो ये खंडन करते थे तो उधर से भी खंडन आता था। पर हमेशा जीत किसकी होती थी? भक्तिसारण ठाकुर की। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, एकदम क्लियर प्योर है ना। तो ये बाबा जी लोग कहते, देखिए हम वृंदावन में रहते हैं, है ना, रूप गोस्वामी ने कहा था 5 जो आदेश दिए हैं उसमें से एक है मथुरावास, हम वृंदावन में रहते हैं, मथुरा मंडल में रहते हैं। एकदम रूप गोस्वामी जैसे कपड़े पहनते थे, एकदम छोटा सा, है ना, केवल शरीर को ढकने, हम वैसे रहते हैं, है ना। जो भी रूप गोस्वामी ने रूल्स रेगुलेशन दिया हम उसको फॉलो करते हैं। वी हैव रिनाउंस्ड टेम्परामेंट, है ना, हम एकदम रिनाउंस्ड रहते हैं, बहुत सादा जीवन जीते हैं। और आपको देखो, अभी देखिए खंडन कहाँ होता था भक्तिसारण ठाकुर का, है ना। वृंदावन में आते थे तो कार में आते थे भक्तिसारण ठाकुर। सोचिए बाबा जी लोग कैसे रह रहे हैं उस समय, वृंदावन में लोग कैसे रहते थे। हम सोच सकते हैं कि प्रभुपाद के जो शिष्य आए थे पहले बार, अमेरिकन शिष्य वृंदावन, तो इनको अरे वृंदावन के बारे में हमने क्या सुना था, ये दिख क्या रहा है यहाँ पर, अ डिलैपिटेटेड विलेज, शैंटीज, इज ऑल दैट वी सॉ देयर, ऐसा वो प्रभुपाद के शिष्य कहते। सोचिए भक्तिसारण ठाकुर के समय, और ये समय है आसपास 1917 या 18 के समय की बात कर रहा हूँ मैं, जब भक्तिसारण ठाकुर पहले बार वृंदावन में भी गए और वो खंडन का टाइम शुरू हुआ, है ना। और उसके बाद 1919 में गौड़ीय मठ बना और सब कुछ हुआ। तो ये बाबा जी लोग कहते थे, अरे आप वृंदावन में आते हो तो कार में आते हो। उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, सोचो कितनों के पास कारें होंगी, कार किसके पास होगी। सोचिए भक्तिसारण ठाकुर कार में आते थे, और उस जमाने में भी कौन सी कार थी पता है, जगुआर, है ना। आज भी जगुआर के ऊपर केवल एक रोल्स रॉयस है, आज भी कोई अगर जगुआर में आए तो भक्तिसारण ठाकुर जगुआर कार में आते थे, है ना। और है ना, और ऐसा एक ऐसा कोट के जैसा पहन के आते, सन्यासी ड्रेस होता था और उसके ऊपर कोट होता था। और उसके बाद गौड़ीय, ये सॉरी, उसके बाद जो बाबा जी लोग रहते थे ब्रज में और जिनका ये खंडन करने आ रहे थे, ये कहते थे, अरे तुम सिले हुए कपड़े पहनते, पता है सिले हुए कपड़े ना, जो हमने स्टिचेस है ना, ये स्टिच किए हुए कपड़े, मतलब ये अपवित्र हो गया, ये कपड़ा अपवित्र है। ऐसे हम जब विग्रहों के आराधना के लिए जाते, ड्रेसिंग के सेवा के लिए जाते हैं, तो कोई भी कपड़ा शरीर पर नहीं होना चाहिए जो सिला हुआ हो, दैट्स द मोस्ट आइडियल वर्शिप, है ना। सिला हुआ कपड़ा यानी वो गंदा हो गया। तो ये बाबा जी कहते थे स्कैंडल है वृंदावन में कार में आना, कोट पहन के आना और इस प्रकार से कपड़े पहनना, है ना। और भक्तिसारण ठाकुर कहते थे आई एम फॉलोइंग रूप गोस्वामी एक्चुअली, क्यों, ही वुड से नॉट बाय इमिटेशन बट बाय फुलफिलिंग हिज मिशन। सोचिए आप लोग केवल रूप गोस्वामी की नकल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आपको लग रहा है रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं आप, अनुयायी हैं, वो कहते हैं मैं रूप गोस्वामी का असली अनुयायी हूं क्योंकि मैं जो उन्होंने मिशन स्थापित किया उसको मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूं बाय फुलफिलिंग दैट मिशन। तो मार्च 1972 को श्रील प्रभुपाद ने एक लेक्चर में, कलकत्ता में एक लेक्चर दिया है, आई विल रीड इट इन इंग्लिश एंड एग्जैक्टली प्रभुपाद आंसर्स व्हाट आई एम सेइंग हियर, सी व्हाट प्रभुपाद सेज। सो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी फॉलोड स्ट्रिक्टली रूप गोस्वामी, जस्ट लाइक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी इंट्रोड्यूस्ड दैट सन्यासी शुड गो फॉर बेगिंग आर्म्स इन मोटर कार। भक्तिसारण ठाकुर अपने शिष्यों को, ब्रह्मचारियों को और सन्यासी को बोलते थे पैदल नहीं जाने का, कार में जाने का और भिक्षा मांगने के लिए, फंड कलेक्शन डोनेशन के लिए ऐसे जाने का। सोचिए दे वुड लिव इन पैलेशियल बिल्डिंग्स, यू आर रिनाउंस्ड, यू शुड लिव इन गुड बिल्डिंग्स, यू वुड से आई आंसर दिस थिंग्स। नाउ इफ इन दिस एज इफ वी फॉलो दैट रूपानुगा, रूप गोस्वामी यूज टू लिव अंडरनीथ अ ट्री, एंड इफ वी से नाउ वी शेल ऑल्सो इमिटेट, हम भी रूप गोस्वामी के जैसे पेड़ के नीचे रहेंगे। जस्ट लाइक देर आर मेनी बाबाजीज इन वृंदावन, दे आर इमिटेटिंग अ स्मॉल लॉइन क्लॉथ बट डूइंग ऑल नॉन सेंस। प्रभुपाद भी पकड़ रहे उस बात को, ये लोग कहते हैं कि हम बहुत विरक्त हैं लेकिन केवल रूप गोस्वामी की नकल कर रहे हैं, और नकल के नाम से क्या है, बहुत सारी गलत चीजें चल रही हैं। सो इमिटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, नकल नहीं करना है,
रियल थिंग इज रिक्वायर्ड. हाउ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गोस्वामी? उनका उद्देश्य क्या था गोस्वामियों का? दे से दैट येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे, सम हाउ और अदर फर्स्ट ऑफ ऑल एंगेज वन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. किसी ना के कुछ ना कुछ करके उनको कृष्ण की सेवा में लगाओ. फिर प्रभुपाद क्या लिखते हैं देखो, दैट इज माय गुरु महाराज गिफ्ट. ये मेरे गुरु महाराज का गिफ्ट है. ही फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड दैट देर इज नो नीड ऑफ गोइंग टू वृंदावन एंड इमिटेट द गोस्वामीज. किसी को वृंदावन में जाकर रहने की जरूरत नहीं है और गोस्वामियों का नकल करने की जरूरत नहीं है. लिव इन बिग बिग सिटीज इन बिग बिग पलैशियल हाउसेस बट प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस. आप रह सकते हो बड़े शहरों में, बड़े घरों में, लेकिन कृष्ण कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो. पीपल में अंडरस्टैंड, गिव चांस टू पीपल हाउ दे विल अंडरस्टैंड कृष्ण कॉन्शियसनेस. ही ओपन मेनी सेंटर्स. सो सिमिलरली इन बिग बिग सिटीज, सो वी आर डूइंग दैट. एंड बिकॉज वी आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली द प्रिंसिपल्स ऑफ रूप गोस्वामी रूपानुग, देयरफॉर इट इज सम अदर कमिंग आउट वेरी सक्सेसफुली. द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट शुड बी पुश्ड अकॉर्डिंग टू रूपानुग प्रिंसिपल. तो भक्तसान ठाकुर का ये कहना कि किस प्रकार रूप गोस्वामी ने हमको कहा है कि किस प्रकार यू नो युक्त वैराग्य होना चाहिए, किस प्रकार हर चीज का संबंध भगवान के साथ है, सब कुछ भगवान से आता है, हम हर चीज को किस प्रकार भगवान की सेवा में लगा सकते हैं. युक्त वैराग्य, केवल वैराग्य नहीं चाहिए, छोड़कर भाग गए निकल गए, नहीं. युक्त वैराग्य, किस प्रकार कृष्ण संबंध समझकर उसको कृष्ण की सेवा में किस प्रकार लगाना है. तो श्री प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी वृंदावन में आप यहां पर इतना बड़ा मंदिर और इतना बड़ा गेस्ट हाउस बना रहे हो, क्या जरूरत है? और उस समय वृंदावन में केवल कुछ धर्मशालाएं थी, कुछ गिरते पड़ते मंदिर थे, हाँ, आपको इतने फैंसी टेम्पल क्यों बनाने का जरूरत है? और श्री प्रभुपाद का उत्तर था, मैं मेरे लिए तो एक पेड़ के नीचे रह लूंगा, लेकिन आप मेरे मैसेज को सीरियसली नहीं लोगे. ये मंदिर आपके लिए बना रहा हूं, प्रभुपाद कहते हैं, ये मेरे लिए नहीं बना रहा हूं. अगर मैं पेड़ के नीचे बैठूंगा, आप मुझको पूछने को भी नहीं आओगे. और प्रभुपाद को पता था कि प्रभुपाद इंडिया में जब भारत में जब प्रचार कर रहे थे वेस्ट में जाने के पहले, कोई भी प्रभुपाद को सीरियसली नहीं लेता था. प्रभुपाद सॉ इट कि नोबडी इन इंडिया इज टेकिंग मी सीरियसली. एक व्यक्ति आचार्य प्रभाकर, वो मिले थे, पहले शिष्य बने थे, उन्होंने भी सीरियसली नहीं लिया. तो प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद अमेरिका गए और वेस्टर्न लोगों को लेकर आए, तो अब जाके इंडियंस बड़े सीरियसली ले रहे हैं. प्रभुपाद ने कहा, ये मैसेज मैं तो आपको देना चाहता हूं, पर आप उसको सीरियसली नहीं लोगे. अगर वैसे ही गिरते पड़ते मंदिर हैं, कुछ है, तो लोग कहते हैं यहां नहीं जाना है. प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए मैंने ये मंदिर बनाए कि आपको अट्रैक्शन, आप आओगे और फिर वहां पे वही कृष्ण कथा हम आपको देंगे. तो प्रभुपाद कहते थे, ये बाबा जी लोग वृंदावन में रहते हैं, प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं, दे कम टू वृंदावन टू सॉल्व देयर चपाती प्रॉब्लम. प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन में जाएंगे और कुछ भिक्षा मांगेंगे और हमारा चपाती का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो प्रभुपाद कहते हैं, अनदर रीजन वी वांट टू बिल्ड दिस टेंपल्स इज टू गिव फैसिलिटीज टू प्रीचर्स. प्रभुपाद कहते टू लिव पीसफुली वेल नरिश्ड, फिर जहां से वो प्रचार कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बना रहे हैं. तो भक्तसान ठाकुर की कई चीजों को, भक्तसान ठाकुर इन बाबाजियों का खंडन करते थे कि किस प्रकार आप सही तरीके से नहीं रह रहे हो, और वैसे ही बाबाजी लोग भी करते थे खंडन, बट हमेशा भक्तसान ठाकुर का लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग से. और वही प्रभुपाद कहते, उसी को हमने फॉलो किया, इसलिए ये कृष्ण भावनामृत का इतना प्रचार हो रहा है रूप गोस्वामी की कृपा से. तो कई चीजें जो शास्त्र में भी नहीं बताई गई है कि नहीं करना चाहिए, या आचार्यों ने भी बताया नहीं करना चाहिए, भक्तसान ठाकुर वो भी करते थे. अभी आप बोले कैसे होता है ऐसा, और उसके लिए भी उनके पास आंसर था कि क्यों कर रहा हूं मैं. एक है शास्त्र कहते, ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक श्लोक है, वो कहता है कि कलयुग में सन्यास नहीं लेना चाहिए, सन्यास नहीं है ना, कलो पंच विवर्जयेत, सन्यासम उसमें विवर्जयेत है, नहीं करना चाहिए. तो भक्तसान ठाकुर ने फिर भी सन्यास दिया सबको, बहुत सारे सन्यासी शिष्य थे,
उनको पूछा क्यों, तो कहते चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया पर एक उद्देश्य के लिए लिया। रामानुजाचार्य ने संन्यास स्वीकार किया और कई सन्यासी शिष्य बनाए। मैं उन कोई शास्त्र सामने रखता था वो आचार्यों का नाम लेते, देखो मैं आचार्यों को फॉलो कर रहा हूं और स्वयं भी संन्यास स्वीकार किया है ना। और एक बार तो लॉजिक दिया कि चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी के साथ जब बातें की थी उसमें कहा था कि ये पांच चीजें कलयुग में नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो कहते हैं दिस संन्यास, वो कहते थे आई एम ऑफरिंग संन्यास टू माई डिसाइपल्स बिकॉज दे विल बिकम मुकुंद प्रेष्ठ, ऐसा बोलते थे। उनका तो बोलने का तो तरीका भी बहुत सुंदर था, दैट दे विल बिकम डियर टू मुकुंद, भगवान मुकुंद को प्रिय बनेंगे वो, दे विल बिकम अ वैष्णव नॉट अ मायावादी सन्यासी, इस प्रकार बोलते थे। फिर भक्ति विनोद ठाकुर के प्रचार में था कि वैष्णवों को मठ में नहीं रहना चाहिए, ये मठ नहीं बनाने चाहिए, और भक्सन ठाकुर ने 108 गौड़ीय मठ बनाए। तो लोग ये भी पूछते थे कि अरे भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बाबाजियों का इतना खंडन किया, या उस जमाने में मठ नहीं बोलते थे एक्चुअली, अखाड़ा बोलते, जिसको आज हम मंदिर बोलते हैं भक्सन ठाकुर समय उसको मठ बोलते थे। जैसे हम मायापुर में जाते तो चैतन्य मठ, गौड़िया मठ, मंदिर को ही मठ बोला जाता था, और भक्ति विनोद ठाकुर के समय उसको अखाड़ा बोला जाता था, जहाँ पर क्या है ये विरक्त बाबा जी लोग आके रहते थे, और ये जो अखाड़ा थे तो दे वर नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटिंग रूप गोस्वामी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत राइटिंग्स में भी लिखा है किसी को क्या करना चाहिए, ये अखाड़े या मठ नहीं बनाना चाहिए। अब क्यों नहीं बनाना चाहिए समय, ठीक है मैं बोल देता हूँ, क्योंकि खंडन का बात चल रहा है, क्यों भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं या क्यों भक्तसान ठाकुर इतना खंडन करते थे, क्यों, क्योंकि दीज अखाड़ाज हैड बिकम फेमस दैट दीज बाबाजीज विल कीप सेवा दासीस। वॉट आर दीज लेडीज, दीज लेडीज आर विडोज, दीज लेडीज आर वैष्णवीज, दीज आर इधर यू नो सोसाइटी में कुछ गलत के कारण इनको घर से निकाल दिया, ये लोग वहाँ पर आकर रहेंगी, एंड सो दे डिडंट वॉन्ट टू बिकम आउटराइट प्रोस्टिट्यूट्स। वैश्यावृत्ति में भी जाना नहीं है, भक्ति के नाम से रहना भी है, और ये बाबा जी लोगों के साथ इनका अवैध संबंध होगा, और उनके पास जो बच्चे जन्म लेंगे उनका एक अलग नाम पड़ गया वष्टम, हाँ देवर यू नो वष्टम कास्ट बोल के चलता था उस समय, सच चिल्ड्रन वर कॉल्ड वष्टम कास्ट। सो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर खंडन करते थे, है ना। अभी भक्तसन ठाकुर मठ में रहने वालों का खंडन करते थे, आप बोले कि कैसे होता है, इन्होंने मठ बनाए और जो भी वहां पर रह रहे हैं यू नो ब्रह्मचारी या सन्यासी, तो बोलते थे एक उनका स्लैंग था डोंट बिकम मठवा। मठवा मतलब केवल मठ में रह रहा है, सुबह सुबह ये सुबह उठता है दो भजन गाता है उसके बाद जाता है भिक्षा मांगता है, थोड़ा कुकिंग करता है खाता है फिर थोड़ा सोता है फिर थोड़ा कुकिंग करता है फिर शाम को भजन गाता है और फिर सो जाता है, बोले मठवा मत बन, है ना। फिर जैसे गृहस्थ होता है और एक शब्द होता है ग्रह मेधी, तो भक्तसन ठाकुर बहुत फेमस था डोंट बिकम अ ग्रह डोंट बिकम अ मठ मेधी। तो खंडन करना, ये खुद भी कुछ करते थे फिर उसका भी खंडन होता था कि प्यूरिटी किधर तक जानी चाहिए, शुद्धता कहां तक होनी चाहिए, ये जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है यू नो, या रूप गोस्वामी ने हमको दिया है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, असत्संग त्याग करना चाहिए। भक्ति सन ठाकुर के फोटोज दिखेंगे अंग्रेजों के साथ बैठे, सोचिए लोग बोलते कैसे अंग्रेजों के साथ क्यों संग करना चाहिए किसी ने, राइट। फिर पर वो बोलते थे मैं प्रचार कर रहा हूं, है ना, ये आई एम नॉट टेकिंग देयर एसोसिएशन आई एम गिविंग एसोसिएशन। फिर एक और लोगों का लोग इनका खंडन करते थे कि आप ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हो, है ना, जो ब्राह्मण कुल में जन्मे नहीं है उनको आप ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं। तो बोलते थे चैतन्य महाप्रभु इज ऑलरेडी सेड वर्णाश्रम इज ऑब्स्टेकल इन भक्ति। तो ये बाबा जी लोग ब्राह्मण थ्रेड तोड़ते थे, फेंक देते थे कि अभी हम बाबा जी बन गए, और ये क्या करते थे तुम वैरागी और ब्राह्मण थ्रेड देते थे, है ना। तो कहते थे कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा, ये हमारा नियम है, क्या कृष्ण को प्रसन्न करेगा। तो अभी मेरे पास 3 मिनट बचे हैं तो फटाफट मैं कुछ तो कथाएं बताता हूँ, सम इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स, थोड़ा टाइम ले चलेगा। तो मैं कुछ
भक्तिविकास महाराज का बुक पढ़ रहा था और आज सुबह कुछ मैंने एक लेक्चर सुना, तो एक कटक एक जगह को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली उस लेक्चर में, तो मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ। तो कटक में एक सच्चिदानंद गौड़ीय मठ था और ये भक्ति विनोद ठाकुर का स्मरण में सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, इसलिए इसका नाम सच्चिदानंद मठ उन्होंने रखा था। तो यहाँ पर एक हुआ ऐसा कि जो ये मठ खुला था तो वहाँ पर ब्रह्मचारी लोग क्या करते थे, जो वैरागी है वो लोग क्या करते थे, वो विग्रहों का आराधना कर रहे हैं। तो बहुत लोकल खंडन हुआ उसके लिए भी, कैसे रहे ये लोग, गृहस्थ लोग अपने घर में विग्रहों का आराधना करते हैं, वैरागियों ने नहीं करना चाहिए। और भक्तसन ठाकुर ने बोला नहीं, ब्रह्मचारी भी सेवा करेंगे विग्रहों का। सो इट वॉज अनहर्ड ऑफ, उस जमाने में बहुत बड़ा था, ऐसा भी करते हैं। आज हमको लगेगा क्या बड़ी बात है, बट दैट टाइम इट वॉज लाइक अ रेवोल्यूशनरी थिंग टू डू। तो ये जो सच्चिदानंद गौड़ीय मठ बना था, मंदिर बना था, वो एक लैंड जिस जो बनी थी, जो लैंड पे बना था, उसके लिए कुछ तो विशेष था। एक चिंतामणि बाबू थे कटक में, जो बड़े धनी व्यक्ति थे, पर उस जमाने चिंतामणि बाबू का बिजनेस क्या था, ये पान के व्यापारी थे, पान बेचने वाले, है ना, ना आज कोई सिगरेट का कुछ करे, शराब का कुछ करे, तो जानो पान का चलता था। अभी ही वॉज अ बिटरनट मर्चेंट बिट। तो अभी क्या हुआ, ये मंदिर कैसे बना, एक माताजी थी जिसके स्वप्न में भगवान आए और उनको बोला कि आपको इस, ये जो जमीन आपकी है ये किसी साधु को आपको देनी चाहिए मंदिर बनाने के लिए। तो मंदिर बनाने के लिए देनी चाहिए, अभी ठीक है मुझको अगर ऐसा भगवान का आदेश है कि मुझे ये जमीन मंदिर के लिए दे देनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, छोटी बेटी को, इस माता जी ने, और तीन साधुओं का नाम लिखा चिट्ठी में और तला, बोला अभी आप चुनो। तो चिट्ठी निकली, उसमें भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर का नाम था, क्यों ये भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर को देना चाहिए। तो जमीन आ गया, पर अभी हुआ क्या, ये जो चिंतामणि बाबू थे, इस मंदिर के सामने जो रोड था, मंदिर और रोड के बीच में बहुत सारी दुकानें थी, और भक्तसन ठाकुर बोले नहीं मंदिर नहीं बनेगा, मुझे लैंड इतनी पसंद नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि ये सामने दुकानें हैं। तो ये चिंतामणि बाबू को बताया गया कि अरे ये जब तक दुकानें नहीं हटती मंदिर बनने वाला नहीं है। इमेजिन हिज इन्फ्लुएंस इन दैट एरा, चिंतामणि बाबू रिमूव्ड ऑल हिज शॉप्स, पूरी दुकानें हटा दिए, है ना, और दुकानें तो हटाई, इन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा धन जो जमा किया था पूरा का पूरा भक्तसन ठाकुर को दिया मंदिर बनाने के लिए। जमीन भी आई, मंदिर भी बना, नो फंड कलेक्शन टू बी डन, इमेजिन, है ना। और उसके बाद चिंतामणि बाबू के पास शालिग्राम शिला थी, उनके परिवार में बहुत पीढ़ियों से आई थी, वो भी लाके दे दी, इसकी उपासना आप ही कीजिए, आप ही बेस्ट कर सकते हो। तो कटक में ये सच्चिदानंद गौड़िया मठ में जब विग्रहों का स्थापना हुआ, फिर एक रिवोल्यूशन हुआ। पहले बार जो हुआ था, क्या रिवोल्यूशन था, भक्तसन ठाकुर ने विग्रहों का स्थापना किया और बहुत पास में, अभी इतना बड़ा भी मंदिर नहीं था, बहुत पास में एक प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया। तो किसी को समझा नहीं क्या चल क्या रहा है, जस्ट एज डीटीज आर इंस्टॉल्ड, पूरे पूजा के साथ क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना हुई। और भक्तसन ठाकुर कहते हैं, जस्ट लेक्चर में बोलते हैं वहां पर, जस्ट एज डीटीज आर अप्राकृत, दिस प्रिंटिंग प्रेस इज ऑल्सो अप्राकृत। जैसे डीटीज भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, ये प्रिंटिंग प्रेस भी आध्यात्मिक है। और कई बार पुजारी कंप्लेंट करता था, वो जब पुजारी पूजा कर रहा है, छपक छपक छपक, उस जमाने की प्रिंटिंग प्रेस, छपक छपक, कंप्लेंट आया। भक्तसन ठाकुर ने बोला कुछ भी हो जाए, प्रिंटिंग प्रेस नहीं रुकनी चाहिए, और ये जो छपक छपक का आवाज है ना, ये आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। भक्तसन ठाकुर कहते, दिस साउंड इज वेरी प्लीजिंग टू मी बिकॉज दिस इट इज प्रिंटिंग ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर, ये बहुत प्रिय है मुझे। मंदिर के पीछे एक मैनमेड पॉन्ड था, और बंगाल में और उड़ीसा में होता कि जहां पॉन्ड है वहां मछली आए तो लोग मछली पकड़ने को आ जाएंगे, बंगाली और उड़िया लोगों को मछली बहुत प्रिय है। तो ये मंदिर बना और पीछे पॉन्ड भी था। भक्तसन ठाकुर ने एक नियम बनाया, इस पॉन्ड में आके कोई भी मछली नहीं पकड़ेगा, मछली नहीं निकालेगा। सब लोग रुक गए, एक आदमी रुका नहीं, इसने मछली पकड़ना चालू रखा। भक्तसन ठाकुर ने फिर बताया, देखो ये इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम यमुना नाउ,
यहाँ का जल जो है भगवान की सेवा के लिए जा रहा है, ये यमुना के जैसे हमारे लिए, आप यहाँ पर मत करो। ये आदमी ने सुना नहीं, इसको जब समझाया गया तब भी सुना नहीं, दूसरे दिन इसको सांप ने काट लिया। इस आदमी को जिसने कभी किसी ने सांप देखा नहीं था उधर पे, इसको सांप आके काटा। और भक्तचरण ठाकुर बोले, देखो ही वॉज टोल्ड डोंट बिकम अ हिंड्रेंस इन द सर्विस ऑफ द डीटीज, बट ही डिड नॉट लिसन। तो नोबडी शुड एंगेज इन सिनफुल एक्टिविटी एंड ऑल द मोर व्हेन अ ग्रेट सोल इज सेइंग सो। रुक जाना चाहिए था, है ना। भगवान अपराध नहीं लेते, लेकिन भक्त अपराध नहीं लेगा, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। एक और चीज़ याद आ रहा है, कलकत्ता में एक बार भक्तचरण ठाकुर बैठे थे, एक व्यक्ति आए थे मिलने के लिए, और इन्होंने सिगरेट पीना शुरू किया भक्तचरण ठाकुर के सामने। तो शिष्य ने बोला, डोंट स्मोक, दिस नॉट गुड, दिस नॉट एटिकेट, यू शुड नॉट स्मोक इन फ्रंट ऑफ हिम। इसने फिर भी स्मोकिंग चालू रखा, दूसरे दिन इसका मृत्यु हो गया। मृत्यु लिटरली डेथ, है ना। तो भक्ति विकास महाराज बोलते हैं, ऑफेंडिंग अ ग्रेट वैष्णवा इज अ ग्रेट अपराध, डोंट डू दिस एवर, राइट। तो भक्तचरण ठाकुर ने श्राप नहीं दिया, बट कृष्णा कैन नॉट टॉलरेट ऑफेंस अगेंस्ट हिज डिवोटी। तो कई बार कुछ कई प्रोफेसर्स मिलने आते थे, है ना। तो भक्तचरण ठाकुर किसके अगेंस्ट थे पता है उस जमाने में? इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। जनरली अगेंस्ट क्यों थे बोले, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? उस जमाने में किसी को समझता नहीं था कि क्यों समय का व्यय हो रहा है। बोलते इंडियंस इंडियन के ऊपर रूल करेंगे, पर आप सेटिस्फाइड नहीं होने वाले। आज हम दिखता है ना हमको, इतने सालों के बाद भी। तो बोलते थे हमारा सेटिस्फैक्शन केवल कृष्ण की सेवा में है। कोई गलत बोला था, सोचिए, बट उस समय उसको समझना, है ना। और आज भी बंगाल में अगर रामकृष्ण मूवमेंट के अगेंस्ट आप कुछ बोलेंगे ना, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, है ना। प्रभुपाद ने महाविष्णु महाराज को और जयपताका महाराज को बुलाया था, बोला था देखो, बहुत कुछ बोला था, मैं नहीं रिपीट करूँगा यहाँ पर अभी, क्योंकि रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जा रहा है। लेकिन प्रभुपाद ने बोला, संभाल के, बहुत गलत कर रहे हैं वो लोग जो भी कर रहे हैं, जिस प्रकार का मायावाद का प्रचार हो रहा है, बट संभाल के, नहीं तो बंगाल में दुश्मनी ज़्यादा बनेगी आपकी। बट उस जमाने में भी जब ये जीवित है, सामने खड़े हैं, भक्तचरण ठाकुर वॉज आउट एंड आउट सीधा अगेंस्ट बोलते थे। और सीधा वो क्या गलत बोलते हैं, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर्सनली मिलेंगे तो बताऊंगा क्या बोलते थे उनके बारे में। आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, बोले बाप रे, किसने नहीं सुना, है ना। नोबेल लॉरिएट, नोबेल प्राइज मिला था, है ना। भक्तचरण ठाकुर उसको बोलते थे बोका है, बोका मतलब मूर्ख है। अब कैसे कोई बोल सकता है, सोचो किसी को, कि रविंद्रनाथ टैगोर मूर्ख है। वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक एक कविता को लेकर, या उनके एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने अनोनिमस कुछ तो आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का, अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स वर रिटन इन न्यूज़पेपर, भक्तचरण ठाकुर ने भी अनोनिमस बन के इतने सारे आर्टिकल्स लिखे कि न्यूज़पेपर वाले ओवरवेल्म हो गए कि ये जो अगेंस्ट में लिखा गया ये सच्चा है, ये सही, ये बात सही बोल रही जा रही है, रविंद्रनाथ टैगोर के अगेंस्ट में लिखा है ना। तो कई बार लोग चैलेंजिंग मूड में आते थे, और भक्तचरण ठाकुर को जब सुनते थे तब समझता था देयर इज नो पॉइंट चैलेंजिंग हिम, देयर इज नो पॉइंट, ही सो क्लियर इन हिज अंडरस्टैंडिंग, ही सो प्योर, देयर वाज नो पॉइंट ऑब्जेक्टिंग हिम। कई लोग गौड़ीय मठ को ज्वाइन करते थे, बहुत स्कॉलर्स आते थे, सिंपल लोग आते थे, गौड़ीय मठ में आके फुल टाइम होते थे। तो भक्तचरण ठाकुर का बहुत क्लियर था, दो चीज़ें करवाते थे, आपको मंदिर ज्वाइन करना है, आपको रहना है मेरे साथ आकर, टू थिंग्स भक्तचरण ठाकुर, मीनियल सर्विस एंड सुपर बिजी, ऐसा बोलते थे। दो चीज़ करने को तैयार रहो यहाँ पर, आपको भजन करने दूंगा, लेकिन भजन के नाम से आपको खर्राटे मारने नहीं दूंगा। माला लेकर बैठे और खर्राटे मार रहे, बोलते मैं वो करने नहीं दूंगा आपको, या भजन के नाम से आप कुछ गलत विचार देके अपने मन में दौड़ रहे हो, ये भी करने दूंगा नहीं। फर्स्ट थिंग कोई आया तो बोलते मिनियल सर्विस, दूसरा ही वुड सी टू इट दैट एवरीवन इन द टेम्पल इज वेरी बिजी। एक बार चेन्नई पहुंचे, और जब चेन्नई में देखा कि मंदिर बहुत ऐसा अनक्लीन रखा हुआ है, भक्तों के बीच में झगड़ा और प्रचार नहीं हो रहा, कैन यू इमेजिन क्या डिसीजन ले सकते एक ही बार में, मंदिर में जितने भी रह रहे सबको बोला निकल जाओ, एवरीबडी वॉज टोल्ड गो होम, वी विल रिक्रूट एंड गेट न्यू पीपल, आई कैनॉट कीप डिसीज्ड पीपल हियर, पीपल विद डिसीज्ड कॉन्शियसनेस। सोचिए
आप ना कोई विनम्र सेवा चल रही है, ना आप बिजी रह रहे हैं, ना आप प्रचार कर रहे हैं, आपको मंदिर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए, सो मिनियल। और एक चीज होती थी, गौड़िया मठ में एक जेल भी था, अपने जेल था। सब लोग डरते थे कि वहां पर जो गया उसका नाम खराब होने वाला है। किधर पे एक जगह था जहां पहुंचना आज भी थोड़ा मुश्किल है अगर आप बोट से होके जाएंगे, वो वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्थान है मामगच्छी। वो उस जमाने में गौड़िया मठ के जमाने में मशहूर था, वो जेल है। क्यों? वहां पर जो गया उसको बहुत हार्ड लेबर है, गार्डन है और वहां पर खाने को भी नहीं है और उधर पे रहना पड़ेगा, ये उसको जेल बोलते थे। तो एक बार एक व्यक्ति आए थे, जिस थोड़ा मैं इसके साथ समाप्त करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति आए थे और बड़े सीरियस, मुझको ज्वाइन करना है, मुझे मंदिर में रहना है, सब कुछ रहना है। तो उसको बताया गया कि आप बर्तन धो जाके, तो बड़े बड़े किचन के बर्तन, और ये इतने अच्छे से बर्तन धोता था कि वापस भक्सन ठाकुर जाके लोगों ने बताया, क्या सेवा करता है ये, कितना अच्छा सेवा, ऐसे बर्तन साफ करता है। पर भक्तों को देखकर भक्सन ठाकुर इंप्रेस नहीं हो रहे उसकी सेवा से, सब लोग इंप्रेस हो रहे कितना अच्छा सेवा करता है, कितना अच्छा सेवा करता है। कुछ दिन के बाद एक लेडी आई, एक माता जी आए और उसने इंट्रोड्यूस किया कि मैं उसकी पत्नी हूं। इनको बात करने दिया गया, कुछ तो हुआ और उसके बाद ये पत्नी के साथ चला गया, है ना। तो भक्सन ठाकुर ने बाद में बताया, देखो मैं बता रहा हूं आपको क्या हुआ, इसका इसके पत्नी के साथ झगड़ा हुआ। क्यों झगड़ा हुआ? इसको ये चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी बात सुने, फ्रस्ट्रेशन में घर छोड़कर इधर आ गया और यहां पर आकर अपना फ्रस्ट्रेशन बर्तन पे निकाल रहा। सो इन एंग्री मूड ही वॉज स्क्रबिंग द पॉट्स। कई लोग आके, यंग लोग आके ज्वाइन करते थे और उस, और बंगाली लोग बहुत फेमस है, बहुत इमोशनल रहते हैं। प्रभुपाद भी कहते थे कि यू शुड बंगाली मदर एंड यू नो ब्रिटिशर, क्या था, करेज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर एंड हार्ट लाइक अ बंगाली मदर। तो एक बहुत कॉमन सीन था गौड़िया मठ में कि यंग लोग आएंगे ज्वाइन करने के लिए, ये लड़का आएगा ज्वाइन करेगा और उसके बाद परिवार वाले आएंगे, रोता रोना, बिलखना, बाल ऐसे ऐसे करके करना, हम मर जाएंगे, हम यू नो माताएं लोग, मैं खुदकुशी कर लूंगी, ऐसा सब। और भक्सन ठाकुर हमेशा बोलते थे, डू नॉट बिकम वीक बाय सीइंग द टीयर्स इन योर मदर्स आईज, दैट इज माया। वो माया है और कुछ नहीं है, वो माँ नहीं है। Don't get affected by your mother's cry. That's माया calling. और भक्सन ठाकुर कई बार समझ, देखो ये बहुत आवाज करेंगे, बहुत रोएंगे, बहुत सब कुछ होगा, कुछ दिन के बाद घर में जाओगे तो सब शांत हो जाएगा, कोई आत्महत्या करने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस भौतिक जगत में कंडीशन सोल अपनी इंद्रिय तृप्ति चालू रखता है। किसी का किसी के कारण, कितने लोगों का घर पर किसी का मृत्यु होता है, लोग रोते हैं, बोलते कुछ दिन के बाद सबका जीवन फिर वैसे ही शुरू हो जाता है। ऐसा समझ लो तुम मर गए और तुमने ज्वाइन कर लिया है अभी मंदिर को, अभी घर वापस मत जाओ। और भक्सन ठाकुर, किसने पूछा कि आप और क्या करते थे, ही वुड हाइड ब्रह्मचारीज, चुप जाओ पीछे चुप जाओ, और जब कोई आता था पूछते आपने उसको देखा, नहीं हमने तो नहीं देखा, पता नहीं किधर आया, नहीं कोई आया नहीं। एक बार एक माँ बाप आए थे तो भक्सन ठाकुर ने क्या किया, वो ब्रह्मचारी को जिस चारपाई पे बैठे थे उसके ऊपर एक बड़ा चादर डाला और उसको नीचे छुपा दिया, तू सब सुनने का पर कुछ बोलने का नहीं। और इनको बोला जाओ ढूंढो, किसी की हिम्मत, माँ बाप की हिम्मत नहीं हुई कि नीचे आपके बेड के नीचे है क्या बेटा बोलने के लिए। भक्सन ठाकुर बोलते थे, इफ आई वुडंट डू लाइक दिस देर वुड नॉट बी एनी गौड़िया मठ, कहाँ होता था, कहाँ से लाऊं लोग मैं, अगर मुझे प्रचार करना है, ये अपने आप को बोलते हैं हिंदू, ये अपने आप को धर्म पालन करने वाले बोलते हैं, पर किसी को अपना पुत्र देना नहीं है धर्म के प्रचार के लिए, कहाँ से लाऊं कहते थे। लोग बोलते शिवाजी होना चाहिए, मेरा बेटा नहीं बाजू वाले का, है ना, है ना। तो कई बार ये माँ बाप इतने सारे आर्ग्यूमेंट आते थे और भक्सन ठाकुर आंसर भी करते थे, पर भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज कहते हैं, डोंट थिंक ही वॉज जस्ट वेरी वेरी स्ट्रांग और ऐसा ही खंडन करना यही जीवन था, ही वॉज वेरी काइंड, वरना इतने लोग आकर कैसे जुड़े।
इतने लोग आकर कैसे रहे, वो बहुत प्रेम करते थे। एक उदाहरण वो देते हैं कि भक्तसान ठाकुर रात को सोने के पहले पता है क्या करते थे, मंदिर में घूम कर आते थे आश्रम में जाकर। क्यों? विशेषकर जो मंदिर में आके अगर कोई गृहस्थ भक्त भी मंदिर में रहते थे, ऐसा नहीं कि नहीं था, गृहस्थ भी फुल टाइम रहेंगे, ब्रह्मचारी भी फुल टाइम रहेंगे, पर सब कोई मंदिर की 24 घंटा सेवा करेंगे। भक्तसान ठाकुर क्या करते थे, रात को जाते थे और देख कर आते थे सब मॉस्किटो नेट में सो रहे ना, और खुद जाके अपना मॉस्किटो नेट जो आजकल वाला है उसको खोलना पड़ता है फिर आदमी अंदर घुसता है, उस जमाने में ऐसे लगाया जाता था मॉस्किटो नेट, वो खुद जाके भक्तों के लिए मॉस्किटो नेट लगाते थे, नहीं तो मलेरिया हो सकता है, आपका सेवा में कुछ सेवा में अवरोध हो सकता है, बीमारी अगर हो गई तो। खुद जाके मॉस्किटो नेट लगाते थे, तो बोलते थे डोंट बी अ मठवा, डोंट बी अ मठ में दी। एक और बोलते थे मठा से बिकम जॉइंट मेस। जॉइंट मेस मतलब कई युवक ऐसे कलकत्ता आते थे और फैक्ट्री में इधर उधर काम करना है तो साथ में रहेंगे कुछ एक जगह पे, आज तू कुकिंग कर कल तू कुकिंग, रात का कुकिंग मैं करूंगा, ऐसे साथ में रह के वो जॉब भी करते थे। बोलते डोंट मेक माय मठा अ जॉइंट मेस, कोऑपरेट विथ ईच अदर राइट टू सर्व कृष्णा। तो ऐसे आचार्यों का जीवन, विशेषकर 150वीं व्यास पूजा है आज, ये व्यास पूजा 150th व्यास पूजा है, तो गौड़ीय मठ और इस्कॉन मिलकर ये बहुत ग्रैंड स्केल पर बना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विशेष एक कॉइन का इन कमेमोरेशन ऑफ इस 150th व्यास पूजा, एक कॉइन और कुछ तो था स्टैंप ऑल्सो, एक स्टैंप और कॉइन भी निकाला है। तो कभी कभी हमको ऐसा लग सकता है कि अरे हमको इनके बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया, वाई वर वी नॉट थॉट अबाउट सच ग्रेट पर्सनैलिटी, इन लोगों के बारे में क्यों नहीं लिखा पढ़ाया गया, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स प्योरिटी, नो बडी वॉन्ट्स टू लिव प्योर लाइफ। और कई बार भक्ति के नाम पर भी हम आ जाते हैं और हमको शुद्ध भक्ति नहीं चाहिए होता, और ऐसे शुद्ध भक्तों के बारे में क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि हमको भी नहीं चाहिए और देने वाले को भी देने की इच्छा नहीं है। पर इनके बारे में जितना हम श्रवण करेंगे, जितना इनको सुनेंगे, जितना इनकी लेखनी पढ़ेंगे, हमको पता चलेगा प्यूरिटी कैन बी टेकन टू वॉट लेवल, शुद्धता को, भक्ति की शुद्धता को हम किस सीमा तक लेकर जा सकते हैं, वो हमको यहाँ पर पता चलेगा कि शुद्ध भक्त कौन है और शुद्ध भक्ति क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्त सिद्धांत सरी ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी।